तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है आपको बताऊंगा कि अपने जो फेसबुक होता है उस पर आप पेज किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप फेसबुक पर पैसे कमाना चाहते हो तो आपको पेज क्रिएट करना पड़ेगा। तो आज की जो वीडियो है आपको यही बताऊंगा किस तरीके से आप पेज क्रिएट कर सकते हो अपने मोबाइल फोन से बिल्कुल सही तरीके से। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सिंपली फेसबुक की जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेते हैं। तो आपका जो एक अकाउंट होना चाहिए, अगर मैं अकाउंट का भी बताऊं तो बहुत ही ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ पेज किस तरीके से हम क्रिएट करें। क्योंकि अकाउंट आप बना लोगे आप इजीली बना सकते हो, अगर नहीं बनाना आता तो एंड स्क्रीन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आप जाकर देख सकते हो। अकाउंट आपका है, आपको पेज क्रिएट कर देना है। आप तो पेज किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे, हम जाएंगे थ्री लाइन पर, यहाँ पर हम थ्री लाइन पर क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, आप देखोगे तो यहाँ पर पेज का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो सी मोर पर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर सी मोर पर जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पर पेज का ऑप्शन आ चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है पेज का ऑप्शन आ रहा है, हमें सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे ऑलरेडी पेज बने हुए हैं जो कि यहाँ पर शो कर रहा है। अब हमें जो है क्रिएट न्यू पर क्लिक कर देना है, या फिर आपको जो है क्रिएट का ऑप्शन दिख जाएगा ऊपर की तरफ, तो आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करते हो यहाँ पर दो ऑप्शन खुलकर आते हैं, पर्सनल प्रोफाइल और पब्लिक पेज। तो हमें जो पब्लिक के लिए बनाना है तो हमें पब्लिक पेज पर क्लिक कर देना है, देन नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर आप जैसे क्लिक करें यहाँ पर जो है ऑप्शन आ चुका है व्हाट द नेम ऑफ योर पेज, मतलब आपका जो पेज का नाम है वो क्या रखना चाहते हो आप। तो आपका पेज का जो भी नाम आप रखना चाहते हो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर जो है मैं जैसे कुछ भी यहाँ पर रख देता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ व्यास शॉप। तो यहाँ पर मैंने जो है नाम यहाँ पर लगा दिया, देन उसके बाद जो है नेक्स्ट पर हमें क्लिक कर देना है। तो आपका जो भी जिससे भी रिलेटेड है वो यहाँ पर आपको नाम रख देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर देना है, आपकी जो पेज है वो किस कैटेगरी के, मतलब आप जो है क्लोथिंग के ऊपर पेज बना रहे हो, या फिर आपको जो है हेल्थ या फिर ब्यूटी टिप्स दोगे उसके लिए एक पेज बना रहे हो, या फिर कोई भी है। अगर इसमें से नहीं है तो आप सर्च भी कर सकते हो यहाँ पर जाकर। आप क्रिएटर यहाँ पर लिखता हूँ मैं, अगर जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्रिएटर, तो यहाँ पर आ चुका है डिजिटल क्रिएटर। तो हम डिजिटल क्रिएटर पर क्लिक करते हैं, देन उसके बाद जो है क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आ चुका है क्रिएट, तो हम क्रिएट पर क्लिक करते हैं। देन उसके बाद जो हमारा पेज जो है क्रिएटिंग स्टार्ट हो चुके। अब यहाँ पर जो है प्रमोट योर प्रोडक्ट और सर्विस, क्रिएट कंटेंट एंड कनेक्ट विद फैन। तो हमें जो है अगर आपका कोई भी शॉप है तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। अगर आप जो है क्रिएटर हो, मतलब आप कुछ भी कंटेंट बनाते हो, वीडियो बनाते हो, तो हम जो है क्रिएट कंटेंट पर क्लिक करते हैं, देन कंटिन्यू हम कर देंगे। आपको भी ऐसे कर देना है। उसके बाद जो है जनरल में आ जाते हैं, तो यहाँ पर लिखा है बायो। तो आप बायो में आप अपने बारे में लिख सकते हो। यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ रोहित व्यास, बायो मैंने यहाँ पर रोहित व्यास लिख दिया। देन उसके बाद आप अपनी वेबसाइट दे सकते हो, जो भी आपकी वेबसाइट है। आप ईमेल एड्रेस दे सकते हो प्रमोशन के लिए, यहाँ पर फोन नंबर दे सकते हो, लोकेशन दे सकते हो, और भी बहुत सारे जो है आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर जो है आप टाइम सेट कर सकते हो, आप जो है कब जो है एक्टिव रहोगे कब एक्टिव नहीं रहोगे। अब हमने जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं देंगे क्योंकि ईमेल हमें नहीं देना है, देन नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया कस्टमाइज योर पेज। अब यहाँ पर जो है आप यहाँ पर कैमरे का दो आइकन देख सकते हो, एक आइकन है जो कि प्रोफाइल का है। आप कैमरे पर क्लिक करोगे आपकी गैलरी खुलेगी, वहां से आप जो है अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हो। उसके बाद आप जो है कवर फोटो लगा सकते हो यहाँ पर क्लिक करके। हमें अभी के लिए इसको स्किप करेंगे, तो यहाँ पर नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट करते हैं। देन उसके बाद जो है बिल्ड योर ऑडियंस, मतलब आप इन्वाइट कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को। तो हम जो अभी के लिए ये भी नहीं करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आ चुका स्टेट इन्फॉर्म अबाउट योर पेज, तो यहाँ पर पेज नोटिफिकेशन ऑन प्रोफाइल। तो हमें जो इसको ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी रख सकते हो। हम जो मैं प्रेफर करूंगा कि आप ऑन ही रहो। ऑन रखने के बाद हम जो है डन पर क्लिक करते हैं, और डन पर क्लिक करने के बाद स्विचिंग टू व्यास शॉप, यहाँ पर जो हमारी प्रोफाइल थी उससे स्विच हो चुका है हमारे पेज पर, और हमारा जो पेज है वो यहाँ पर रेडी है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं अगर बताऊँ तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। देन उसके बाद हम इसको एक बार रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश हम जैसे करते हैं हमारा जो पेज है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है बिल्कुल आसानी से। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ना हमारा नाम आ रहा है, यहाँ पर लाइक दिखा रहा है, और यहाँ पर डैशबोर्ड दिखा देगा। जो भी आप कंटेंट अपलोड करोगे उसका जो है एनालिटिक्स आप चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर रील अपलोड कर सकते हो, गेट मैसेजेस, यहाँ पर मैसेज भेज सकते हो, और यहाँ से जो है आप लाइव जा सकते हो। कुछ भी पोस्ट करनी है यहाँ पर क्लिक करो, आपकी जो गैलरी है वो खुल जाएगी, यहाँ पर से आप जो है पोस्ट कर सकते हो। अगर इसको चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे कैमरे पर, आपका जो है कवर फोटो और प्रोफाइल पिक्चर आप बाद में भी चेंज कर सकते हो। अब जो है इस तरीके से आप पेज क्रिएट कर सकते हो, अब जो है आप कंटेंट अपलोड कर सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पर हमें फिर से अगर अपने प्रोफाइल पर जाना है तो हमें थ्री लाइन पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद जो है इस पर क्लिक करोगे एरो पर, तो यहाँ पर हमारी प्रोफाइल दिख जाएगी। इस पर क्लिक करोगे आपकी प्रोफाइल से जो है फिर से ऑन हो जाएगी, मतलब लॉगिन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने जो फेसबुक होता है
उस पर आप जो है पेज क्रिएट कर सकते हो बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी दोस्तों। वीडियो चले गए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि और भी इस वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।